Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. आखिर वही हुआ जिसका डर था। लाल काली मिट्टी से बनी पिच ने भारतीय बल्लेबाजों को सुबह 10 बजे ही तारे दिखा दिए। नतीजा, विराट रोहित से लेकर धाकड़ बल्लेबाज एक एक कर पवेलियन लौट गए और पूरी टीम 109 रन पर ही ढेर हो गई। इंदौर में भारत सीरीज जीतने के इरादे से उतरी थी, लेकिन दिन ढलते ढलते टीम के इरादे पूरी तरह हिल गए। कप्तान स्मिथ ने मैच शुरू होते ही 10 ओवरों के अंदर स्पिनर्स को अटैक में लगाया और जिसका डर था फिर वही हुआ। नेथन लायन और मैथ्यू कूनेमन ने सही लाइन और लेंथ में गेंदबाजी कर भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाना शुरू कर दिया। पिच पर गेंद अच्छी खासी स्पिन हो रही थी, जिसे देख कई सवाल फिर खड़े होने लगे। पहले सेशन में भी कमेंट्री कर रहे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन भी पिच को देखकर काफी परेशान हुए। उन्होंने इसकी आलोचना करते हुए कहा, ऐसा होना नहीं चाहिए कि एक स्पिनर छठे ओवर में ही गेंदबाजी करने आ जाए। यही कारण है कि मुझे ऐसी पिचे पसंद नहीं। पहले ही दिन गेंद इतनी नीचे नहीं रहनी चाहिए और उसे इतना टर्न नहीं मिलना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया जीते या भारत। यही कारण है कि मुझे ऐसी पिचों के साथ परेशानी है। एक स्पिन गेंदबाज को छठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए नहीं आना चाहिए। 4.8 डिग्री जबरदस्त टर्न है। इतना टर्न आप तीसरे दिन देखते हैं। आपको बल्लेबाज को भी मौका देना चाहिए। पहला और दूसरा दिन बल्लेबाजी के लिए होना चाहिए। ये स्पिन गेंदबाजों का स्वर्ग नहीं होना चाहिए। खेल इतनी तेजी से नहीं आगे बढ़ना चाहिए। आपको 4 या 5 दिन का टेस्ट मैच मिला है, वरना जैसा चल रहा है चलने दो, हम 3 दिन का मैच खेल लेंगे। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय दौरे पर स्पिन के खिलाफ काफी संघर्ष कर रहे हैं। नागपुर और दिल्ली टेस्ट 2.5 दिनों के अंदर ही खत्म होने के बाद उनकी बल्लेबाजी पर तो सवाल उठे ही, साथ ही साथ दोनों मैचों की पिच भी सवालों के घेरे में रही। मौजूदा मैच की बात करें तो इंदौर में स्पिनर्स का बोलबाला दिख रहा है। अगर भारतीय बल्लेबाजों ने सतर्कता से बल्लेबाजी नहीं की तो ये मैच उनकी मुट्ठी से फिसल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।